नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों इस समय हम नेशनल हाईवे पर खड़े हैं और जहां पर बता दें शहीदी दिवस पर जो छोटे साहबजादे हैं उनके शहीदी दिवस पर जो है आज लंगर की व्यवस्था जो है वो की गई है और आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर जो है फिलहाल यहाँ पर जो है भंडारा जो आयोजन किया गया है उसका आनंद उठाती हुई जो पब्लिक है नेशनल हाईवे की वो नज़र आ रही है। और आप देख रहे हैं कि फिलहाल तस्वीरों में यहाँ पर जो आप समझ सकते हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उनके जो बेटे हैं उन्हें जो है शहीद कर दिया गया था जिस तरीके से, तो उन्हीं के ही शहीदी दिवस पर आज ये व्यवस्था जो है की गई है और सभी के सभी जो लोग हैं वो आज लंगर का जो यहाँ पर मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल आपसे अपील करेंगे आप भी करनाल के नेशनल हाईवे के पास ही बता दें बिल्कुल CSG सिटी के पास ही जो है ये लंगर की व्यवस्था की गई है। तो जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं चाहे वो लोग इस समय हाईवे पर हैं या फिर वो लोग शहर में हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो आकर लंगर का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का दिन सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो है लंगर की व्यवस्था की गई है यहाँ पर लोगों क्या बोलेंगे? जी सर बोलिए जी। खालसा साहब आज फतेह जी, ये लंगर से माता गुजरी जी दे छोटे साहबजादे दी उन्हां दे पोतरां दी याद विच लाया जी। जी 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 जिहड़ा उन्हां दा इह सरंद फतेहगढ़ साहब नीहां चिरे गए सी उन्हां दी याद विच लाया। संगतां नूं बेनती है GT रोड दे उपर दाणा पाणी दे सामने लंगर चल रिहा आ, सारे आके छको। जी जी जी, लोग भी काफ़ी तादाद में बहुत आ रहे हैं जी, बड़े बड़ी दुनिया आई जी, बहुत आ रही है, कृपा जी महाराज दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बकायदा जो है लंगर में चाय है और आप साथ में चाय है, ब्रेड है, साथ में जो कड़ी है और राइस है, तो इनका जो है फिलहाल लंगर लगाया गया है और लोग जो है पकौड़ों का भी आनंद जो है यहाँ उठा रहे हैं। तो यहाँ आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें और यहाँ पर तादाद में भी लोग पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आसपास, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं और लोग जो है आकर जो है लंगर करके जो है आगे जा रहे हैं नेशनल हाईवे पर। वो लोग जो दूर दूर से सफ़र कर रहे हैं वो लोग भी इसका मज़ा ले रहे हैं। लोगों को फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं खालसा का जो झंडा है वो भी लहराते हुए लोगों को फिलहाल दूर से ही संकेत दिया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर रुक कर जो है खाना ज़रूर खाएं, लंगर का जो मज़ा है वो ज़रूर लें। और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बता दें कि और भी कई जगहों पर बता दें नीलोखेड़ी के पास भी जो है आज शहीदी दिवस पर जो है लंगर जो है उसकी व्यवस्था की गई है और कुछ पहले भी मैं बता दूं कुछ थोड़ी सी पहले भी जो है वहाँ पर भी लंगर की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ये याद में लगाया गया है गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे जो उनकी याद में, क्योंकि वो बच्चे जो है उन्हें शहीद जो है जिस तरीके से वो हो गए थे तो आज जो है उन्हीं को याद करते हुए यहाँ पर इस लंगर की व्यवस्था की गई है जिसमें सभी लोग जो है फिलहाल आनंद उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे अपील करेंगे आप पहुँच कर जो है ज़रूर जो है अपने परिवार के साथ आएँ और लंगर का जो मज़ा है वो ज़रूर उठाएँ। और फिर से जुड़ेंगे आपसे AMIN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।